इस क्लिप के बाद शायद मेरा मायके आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। पहले जो मैं बना रही हूँ वो देखिए फिर बताती हूँ। पीछे सो रही वाणी ये सांगरिया और बाजरी के आटे की एक गणगौर स्पेशल बहुत ही टेस्टी डिश बनाएंगे हम। अजवाइन नमक और तेल मिक्स करके पानी से आटा लगा लिया। वैसे हमारे यहाँ पर ये बिना मसाले के भी बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरह के बना लिए। जिसको जो पसंद होंगे वो जीम लेंगे। लोई को गोल गोल करेंगे और फिर पिचका के बीच में छेद कर देंगे। बनते दिव्या और तेजस दोनों बोले ये तो डोनट बन गया। हाँ जी, ये देसी डोनट ही है। और पेड़ के नीचे कप्पू ने सफाई कर दी। हम यहाँ पर चूल्हा बनाएंगे। यहाँ ठंडी ठंडी हवा अच्छी तो लग रही थी, लेकिन डर ये था कि हवा का झोंका हमारे आग पे पानी ना फेर दे। ये वही डोके हैं जिनको अक्सर हम DIY में यूज करते हैं। और कप्पू को लगता है मेरे बिना कोई काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो देखिए कि नीचे लगा के ऊपर हमने पानी डाल दिया। अब हम रखेंगे देसी डोनट यानी ढोकला। जी हाँ, इसको हम ढोकला कहते हैं। फिर सांगरी, फिर ढोकला, फिर सांगरी, फिर ढोकला, ये महीना भर करते रहेंगे। अरे नहीं, दो तीन बार रिपीट करने से देखची भर जाएगी। वैसे आग लगाने में हम माहिर है, लेकिन यहाँ आग जलाएंगे और फिर इस बर्तन को आटे से पैक कर देंगे। मीडियम आंच पर 30-40 मिनट पकाएंगे। नीचे उतार के देखा तो आधे ढोकले चोरी हो गए थे। फिर मम्मी ने बताया ये तो पक कर कम हो गए, और तेजस कैमरा लेके पेड़ के ऊपर चढ़ गया शायद। अब बस परोस देंगे गुड़ और देसी घी के साथ चूरमा बना के जीमना शुरू कर देंगे। और हाँ, वो पापा के साथ क्लिप बिना बताए ली थी, तो इसलिए डर लग रहा है कहीं मायके आने के लिए मना ना कर दे।